क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी क्या है? फिर से हमें एक रेशियो दिया गया है, ऑब्वियस बात है फिर रेशियो की हेल्प से हम एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हम वही काम करते हैं, सबसे पहले कॉट थीटा। तो देखिए हमें क्या गिवन है, कॉट थीटा विच इज 7/8। सो एक ट्राइंगल लेकर चलते हैं, लेट्स से ए बी एंड सी, एंड से ए इज द रिक्वायर्ड थीटा। सो व्हाट इज कोट? कोट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज 7/8। बेस कितना है यहाँ? बेस हमारे लिए है ए बी एंड परपेंडिकुलर इज बी सी। अच्छे से कर देते हैं, ये आ गया 7/8। फिर से वही लेट ए बी किसके इक्वल आ गया 7 के एंड बी सी 8 के। तो ए बी इज 7 के एंड बी सी इज 8 के, ठीक है। सो सबसे पहले हम अब थर्ड साइड को फाइंड आउट करते हैं। सो यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करें, सो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा रूट ऑफ ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। सो ए बी इज 7 के स्क्वेयर एंड इट इज 8 के होल स्क्वेयर। सो इट्स गोना बिकम 49 के स्क्वेयर एंड 64 के स्क्वेयर, जो कि कितना आ गया 113 के स्क्वेयर आई थिंक। यस, सो ये हमारे पास आ गया 113 के। सो एसी की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 113 के। अब देखिए हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स हैं तो हम अब कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करना है, जिसमें हमें सिर्फ साइन और कोस रेशियो की जरूरत है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और कोस की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए साइन किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेनस ए सी, एंड बी सी इज 8 के एंड ए सी इज 113 का रूट के। के से के कैंसिल, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 8 अपॉन रूट 113। इसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस इज ए बी, हाइपोटेनस ए सी एंड द बेस इज 7 के। सो रूट ऑफ 113 एंड के कैंसिल, सो 7/√113। सो हमने साइन और कोस इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट वैसे स्टार्टिंग यहीं से हो गई थी। सो उसको लेकर चलते हैं पैटर्न को। तो पैटर्न क्या है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। वैसे आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, या आप एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, वैसे आइडेंटिटी ये बन रही है, तो इसको हम उनका भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए वही कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, हमें एक बार ही सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सो वन स्क्वेयर मीन्स 1, फिर माइनस साइन थीटा स्क्वेयर, नीचे 1 स्क्वेयर माइनस कोस थीटा स्क्वेयर। तो इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, सो 1 स्क्वेयर इज 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इज 8/113 होल स्क्वेयर, एंड कोस थीटा इज 7/√113 होल स्क्वेयर। तो इनकी वैल्यूज देखिए, ये वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई, 1 माइनस ये क्या हो गया 64/113, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 49/113। सो अब न्यूमरेटर में एलसीएम लें, जो कि कितना आ गया 113 माइनस 64 एंड डिनोमिनेटर में 113 माइनस 49। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, कैंसिल आउट, इनकी वैल्यूज हमारे पास कितनी बच रही है 49 और यहाँ 64, ठीक है। तो
इस तरह से हमने वो रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट की जो हमें निकालना था, सिंपली जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट। आप चाहें तो डायरेक्टली यही सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं, तब भी आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। ओके चलिए, सेकेंड पार्ट छोटा सा है, वो यही आ जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए कोट स्क्वेयर, ये जो पावर है वो पावर एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, वो कंप्लीट की ही पावर होती है, जो हम बार बार ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते, उस वजह से उसको कोट और थीटा के बीच में थोड़ा सा यहां पर ऊपर लिखा जाता है एज ए पावर। ठीक है, तो पावर हमेशा थोड़ा सा ऊपर ही लिखी जाती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब भी कोई कंप्लीट की पावर होगी वो पावर ऐसे ही लिखी जाएगी। ओके, सो कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है तो हम वही यूज क्यों ना करें। सो साइन बाई एट स्क्वेयर जो कि कितना आ गया 49/64, वो भी बिल्कुल सेम आ रही है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को लास्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की हेल्प से डायरेक्ट हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, वो भी देखेंगे जब वो आएगा, तो वापस से इस क्वेश्चन को हम उनकी हेल्प से करेंगे।